हर कोई अपनी सोल या प्राण में तरह तरह के विचारों से हर पल युद्ध में लगा रहता है, क्योंकि शैतान हमारे विचारों द्वारा हमें भ्रम में डालने की कोशिश में लगा रहता है। और बहुत बार हमारे फैसले गलत हो जाते हैं या फिर हम कोई फैसला सही समय पर करने से चूक जाते हैं। प्राण के प्लान्स को सही दिशा देने के बारे में आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता 13 उसके पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि अब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमेन। सोल या प्राण का हमारे जीवन में क्या रोल है? उत्पत्ति पहला अध्याय 28 आयत में परमेश्वर ने आदम को आशीष दी और उसे एक टास्क भी दे दिया, धरती पर छा जाओ, इसे अपने अधीन कर लो। और इस रोल में, इस काम में उसे कम्युनिकेशन रखना है धरती के ऊपर जो सब कुछ है उनके ऊपर भी, और परमेश्वर से भी रखना है, जो कि परमेश्वर उसके बाद हर रोज आते भी हैं शाम को। परमेश्वर के लिए ये कम्युनिकेशन आत्मा के द्वारा है, योहन्ना 4:24 के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। लेकिन जो धरती की चीजें हैं उनके साथ उसका जो कम्युनिकेशन, उसका जो मेल मिलाप है, वो पांच जो इंद्रियां, पांच सेंसेस हैं उनके द्वारा होता है। जो किसी का सोल है वो एक लाइफ फोर्स है, वो प्राण की शक्ति है जो उसे इन दोनों रियाम्स में कनेक्ट करता है। इस रोल के कारण ही सोल के द्वारा एक इंसान के अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। जब से वो पाप, अवज्ञा का पाप हुआ, तब से आत्मा सही तरीके से परमेश्वर के साथ मिलाप नहीं कर सकी और शैतान ने अपना डायलॉग इंसान के साथ शुरू कर दिया। मुक्ति पाने के बाद में पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सब एक हर विश्वासी में हैं, और लेकिन जो सोल है उसका इंक्लिनेशन, उसका झुकाव अभी भी शैतानी ताकतों के कारण है, क्योंकि हम चारों तरफ अंधेरे से ढके छिपे हुए हैं, अंधेरे से ढके गए हैं। वी आर सराउंडेड बाई डार्कनेस फ्रॉम ऑल अराउंड। हालांकि हमें परमेश्वर का ये वायदा मिला हुआ है कि हमारी हर प्रार्थना को उत्तर मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का एक टाइमलाइन अलग चलता है, वो हमारे अनुसार नहीं है। दूसरा ये है कि उत्तर देने के लिए वो ये देखते हैं कि कितना उत्तर मिलेगा और कब मिलेगा। भजन संहिता 13 की पहली आयत में राजा दाऊद की प्रार्थना है, पहला सवाल वो कई करता है। पहला कहता है कि कब तक परमेश्वर, कि क्या तुम मुझे सदा के लिए भूल जाओगे? फिर कहता है क्या, कब तक आप मुझसे अपना मुंह छुपाए रखोगे? हम भी इसी प्रकार राजा दाऊद की तरह अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर चाहते हैं उसी समय जब हमने प्रार्थना की, जो हमने मांगा वो मिल जाए। जब परमेश्वर पहले हमें तैयार करते हैं वो पाने के लिए जो हमने मांगा है, कहीं वो पाने के बाद में हम भटक ना जाएं अहंकार में आकर, उस बहुतायत में आकर जो हमें आशीषें मिली हैं, परमेश्वर से दूर ना हो जाएं। हम सब आम तौर पर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो धन दौलत की कमी, जो ऐसी परेशानियां हैं, उनसे हम छुटकारा पा सकें। और लेकिन हम उसको, जो जिसके कारण हम उस कर्ज में फंसे या परेशानी में आए हैं, उसके लिए हम कोई काम नहीं करना चाहते, कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। आम तौर पर हम अपने पर्सनल आशीष, पर्सनल कामों के लिए, आनंद खुशी के लिए खर्चा करते रहते हैं ताकि दूसरों को हम इम्प्रेस कर सकें। अनगिनत लोग हैं जो कि कर्जा लेते हैं अपने बच्चों की शादी के अंदर शो ऑफ करने के लिए, और फिर वो परमेश्वर से चाहते हैं कि उस लोन को वो उतारे।
जो शैतान है ऐसी परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है, हमारे अंदर सोल में एक लड़ाई शुरू कर देता है। वो ये सवाल खड़ा कर देता है, क्या परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं? क्या हमें वो आशीष देना भी चाहते हैं? क्या हम उनके बच्चे होकर उनकी आशीष का हक पा चुके हैं? और फिर हम तरह तरह की युक्तियां, तरह तरह के प्लान बनाने लग जाते हैं कि हम उत्तर पाएं या फिर कोई और तरीका निकालें ताकि इस सिचुएशन को हम संभाल सकें। नहमिया को यरूशलम जाने की का अधिकार दिया राजा अर्ताक्षस ने कि वो जाके यरूशलम शहर की दीवारों को खड़ा करे। लेकिन जब वो वहां पहुंचा, सनबलत है वहां पर, उसके साथी हैं जो कि उसके अपोजिशन में खड़े हैं। जब उनको ये पता चलता है तो वो उसके ऊपर हंसते हैं कि ये थोड़े से यहूदी कैसे ये करेंगे। नहमिया की पुस्तक 4:3 में फिर वो कहते हैं कि उस जो कुछ ये बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहर पनाह को तोड़ देगा। तो कहती है इतनी कमजोर दीवारें ये बना रहे हैं, टूट जाएंगे। और इस तरह के जो बातें होती हैं, हमें तरह तरह से फ्रस्ट्रेट करने के लिए, परेशान करने के लिए शैतान इस्तेमाल करता है, हमें डिस्करेज करने के लिए करता है, ताकि जो हमने बड़ा काम भी शुरू किया है उसे हम शुरू ही ना करें या उसे पूरा ना कर सकें। लेकिन नहमाया लोगों को एनकरेज करता रहा, जो उसके साथ थे लोग उन्हें उत्साहित करता रहा कि वो काम करते रहे। फिर कुछ समय तो वो तलवार बांधकर अपनी कमर पर तब भी काम करते रहे ताकि दुश्मनों के जो हमले उनसे बचे रहे। याकूब ने धोखा देकर इसहाक अपने पिता से फर्स्ट बॉर्न पहलौठे की आशीष ले ली, और फिर वो अपनी माता रबेका के लोगों के पास भाग गया क्योंकि एसाव उसके बड़े भाई ने यह कसम खाई थी कि वो उसे मार देगा। उत्पत्ति 28:12-15 में हम देखते हैं जेकब वहां पर, याकूब बेथल में सो गया और उसे एक सपना आता है। वो देखता है एक सीढ़ी स्वर्ग तक जा रही है और स्वर्गदूत ऊपर उससे नीचे उतरते और ऊपर जाते हुए हैं, और परमेश्वर यहोवा ऊपर खड़े हैं। और फिर परमेश्वर उसे अब्राहम और आइजैक की जो आशीष है वो उसे देते हैं। फिर उसे वो कह देते हैं और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। इतना अद्भुत उसे आशीष परमेश्वर ने दे दी। याकूब लाबान जो उसका मामा है उसके घर में 20 साल तक रहता है। उसकी दो बेटियों से, लिया और रेचल से शादी करता है, उसके बच्चे होते हैं, और फिर अनगिनत उसे भेड़ बकरियां सब उसे कैटल में थे, नौकर रख लेता है। वो काफी धनी हो जाता है जबकि गया वो अकेला ही था। और फिर वो अपने पिता के घर की तरफ मुड़ता है और फिर उसे याद आता है कि एसाव ने उसे क्या धमकी दी थी, लेकिन वो जो परमेश्वर का वायदा उसे वो बोलने लग जाता है कि परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे इस जमीन पर वापस लेके आऊंगा। हालांकि याकूब के पीछे लबान, क्योंकि वो अचानक निकलता है, लबान उसे पीछे आता है, लेकिन दोनों फिर एग्रीमेंट के साथ एक दूसरे से विदा लेते हैं। और उत्पत्ति 22:32 पहली आयत में हम देखते हैं कि याकूब ने भी जब अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले, उनको देखते ही याकूब ने कहा यह तो परमेश्वर का दल है। परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे वहां मिलते हैं उसे वापस ले जाने के लिए, और उसको सुरक्षा मिल रही है, उसे आशीष मिल रही है उसके हर काम में। लेकिन जब उसे उसके भाई ईसाओं के आने के बारे में पता चलता है कि वो 400 लोगों के साथ उसे मिलने के लिए आ रहा है, तो याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा, घबरा गया वो। और उसने अपने लोगों को और अपने जो उसके फ्लॉक्स जो थे, उसके भेड़ बकरियां थी, दो कैंप में उसने बांट दिया कि कम से कम एक तो बच ही जाएगा ईसाओं से। फिर उत्पत्ति 32:24 में हम देखते हैं और याकूब आप अकेला रह गया। उसने दोनों को याबॉक जो फोर्ड था, जो नदी थी, उसे दूसरी तरफ निकाल दिया और वो पिछली तरफ अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा, उसके साथ रेसल करता है एक,
और याकूब उसकी अधीनगी में नहीं आता है, और फिर वो उसे उसकी जो जांग की ये सॉकेट है उसे हिला देता है और सदा के लिए उसे इनकैपेसिटेट कर देता है। उसका नाम फिर याकूब से बदल सप्लांटर, जो छल कपट से दूसरे का स्थान लेने वाला, याकूब के नाम का मतलब ये होता है। उसका नाम इज़राइल बदल देता है। इज़राइल का मतलब है जो जो रेसल करता है परमेश्वर के साथ और इंसान के साथ, और जो जिससे वो युद्ध करता है उसके बारे में बहुत बातें कही गई हैं। कोई कहता है कि याकूब ने पहले तो स्वर्ग दूत से युद्ध किया, दूसरा कोई कहते हैं अपने आप में उसने युद्ध किया उसके सोल के साथ, उसके प्राण के साथ। तीसरा कहते हैं कि परमेश्वर के पुत्र के साथ उसने युद्ध किया, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र उसे परमेश्वर की अथॉरिटी के अधीन में लाना चाहते हैं, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं था। तो इसीलिए परमेश्वर को उसकी जांग की वो उसका मसल तोड़कर उसे कमजोर करना पड़ता है, उसे अपाहिज बनाना पड़ता है, लंगड़ा कर चलता फिर वो, ताकि वो उनकी अधीनगी में आ जाए। बहुत लोग अपने मन में सोल में तरह तरह की बातें प्लान करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं कि क्या होगा, और फिर तरह तरह के अल्टरनेटिव्स तरीके बनाने लग जाते हैं। और हालांकि उन्होंने प्रेयर की है परमेश्वर से छुटकारे के लिए, लेकिन फिर भी वो अपनी प्लान पर लगे रहते हैं। और इसी समय होता है जबकि हम सफर करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने अधीनगी में टोटल डिपेंडेंस में आते ही नहीं हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड होकर उनके सामने बने रहें। जब हम उनके अधीन नहीं आते हैं तो हमारे अंदर की ये लड़ाई शुरू हो जाती है और चलती रहती है, और हम अपनी ही युक्तियों पर चलने की कोशिश करने लग जाते हैं। हमारे अंदर सोल या प्राण में ये लड़ाई कैसे शुरू होती है और क्यों चलती रहती है? पौलुस रसूल कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री उसका 12 अध्याय की 8वीं आयत में, 12 अध्याय में वो पवित्र आत्मा के जो गिफ्ट्स हैं उनके बारे में कहते हैं। वो कहते हैं बुद्धि और ज्ञान पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें दिए जाते हैं। इंसान को बनाया गया परमेश्वर की रोशनी में रहने के लिए, और उसे जो संसारिक ज्ञान है उसके अधीन रहने के लिए नहीं बनाया गया। और जो ज्ञान संसारिक है वो 5 इंद्रियों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। जो संसारिक ज्ञान है वो एक्सपीरियंस के द्वारा है, हम जो हमारे ऊपर बीती या किसी और पर बीती उसको सुनकर हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन जो आत्मिक ज्ञान है, जो स्वर्गीय ज्ञान है, वो हम प्रकाशन के द्वारा प्राप्त करते हैं। आदम और ईव को परमेश्वर ने जो उनकी जरूरत थी, बुद्ध अच्छे और बुरे के, गुड एंड व्हाट इज नॉट गुड, जो अच्छा और जो अच्छा नहीं है, वो ज्ञान उन्हें दिया गया था। उत्पत्ति 2:16-17 आयत में जो उन्हें मनाही की गई थी, उस बुद्धि और बुराई के, बुद्धि और ज्ञान के वृक्ष को ना खा, वृक्ष का फल ना खाने के लिए, वो उन्हें इस बात से बचाने के लिए था कि वो अवज्ञा का जो आज्ञा नाम मानने का जो एक्सपीरियंस है उससे बचे रहे। जब उनमें वो आ गया एक बार, उन्होंने ये कर लिया कि हमने आज्ञा नहीं माननी है, तो जो उनके अंदर फिर वो बुराई की ताकत खड़ी होगी वो उनके कंट्रोल से बाहर थी, और वो पावर फिर उन्हें अंदर से तरह तरह के उल्टे कामों में ही लगाई रखती है। जो रिश्ता उनका था उत्पत्ति 2:23-24 में, जो आदम ने कहा था कि ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि वह नर में से निकाली गई। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक ही तन बने रहेंगे। उत्पत्ति 2:23-24 में ये उसने कहा था। लेकिन जब पाप आया तो सब कुछ बदल गया। उनका अपने ऊपर, एक दूसरे के ऊपर से विश्वास हटकर अपने ऊपर केंद्रित हो गया। उत्पत्ति 3:12-13 आयत में जब परमेश्वर ने आदम से पूछा कि तूने क्या कहा, क्या किया तूने, तो आदम उसे कहता है जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। पहले तो परमेश्वर को ही ब्लेम कर देता, आपने मुझे ये स्त्री दी थी और इसने मुझे ये फल दे दिया। स्त्री पर भी ब्लेम है, परमेश्वर पर भी ब्लेम है। अब वो पूछते स्त्री से कि तुमने ये क्या किया, तो वो कहती है सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। अब इसका असर क्या होता है, आखिर में जाकर आदम
उसका नाम बदलता है। वो कहता है जो औरत है उसका नाम फिर वो ईव रख देता है, हवा कहता है। और वो क्योंकि हवा पूरी दुनिया की माता, जितने लिविंग हैं उनकी मां बन जाती है, उसके द्वारा सब आते हैं। और वो कहता है ये मेरे से भिन्न है, मेरी तरह नहीं है। अब ये उत्पत्ति चौथा अध्याय पहली आयत में जब ये रिश्ता बदल गया है, तो जब दोनों एक दूसरे को जानते हैं, उनसे अपना रिलेशनशिप बनता है, तो फिर काइन पैदा होता है। काइन के पैदा होने पर हवा ने क्या कहा, वो कहती है मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है, आई हैव अक्वायर्ड अ मैन फ्रॉम द लॉर्ड। जो इब्रानी भाषा का शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है वो है काना, जिसका मतलब है अक्वायर करना, पोजेस करना, परचेज कर लेना। जो पुत्र है दोनों माता पिता का है, दोनों पेरेंट्स का है, लेकिन ईव उसकी ओनरशिप क्लेम करती है। जो उन्होंने ये ज्ञान पाया था वो परमेश्वर से दूसरे सोर्सेस, जो धरती की सोर्सेस से पाया था, उसके कारण उनके अंदर का एक कलह शुरू हो जाता है और अपने अंदर और एक दूसरे के साथ भी उनका ये युद्ध चलने लग जाता है। जो बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर की तरफ से था उसका फ्लो बंद हो जाता है, और जो धरती की नॉलेज है वो उनके ऊपर हावी हो जाती है और उन्हें गाइड करने लग जाती है, और उस समय से आज तक वही चल रहा है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करें, और फिर हम ये भी चाहते हैं कि उनका जो बल और अधिकार है उस पर भी विश्वास करें, ताकि हमारे जो विचार हैं उनकी आज्ञा के अनुसार चले। लेकिन हमारे विचारों में फिर एक एटीट्यूड आ गया है पाप के कारण, वो है व्हाट इफ, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। लोट अब्राहम का भतीजा है, उसे केडोर लाओमेर है इलाम का किंग, और उसके साथ तीन और राजा हैं जो कि आकर सडोम के राजा को हराकर और चार राजाओं को हराकर लूत और उसके सबको पकड़ कर ले जाते हैं। अब्राहम अपने 319 नौकरों के साथ लूट को छुड़ाता है और सबको जो धन दौलत लूटा गया था उसे लेकर वापस आ जाता है। उत्पत्ति 14 की 21 से 23 आयत में जो सदोम का राजा है वो उसे कहता है प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब अब्राहम उसे उत्तर देता है जो कुछ तेरा है उसमें से मैं ना तो एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्ती लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। अब वो ये कहकर सब कुछ लौटा देता है। उत्पत्ति 15 अध्याय पहली ही आयत में इस इंसिडेंट के बाद में परमेश्वर उसके पास आते हैं। परमेश्वर उसे कहते हैं हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। ढाल भी हूं प्रतिफल भी हूं तेरा, मैं तेरा रिवॉर्ड हूं। अब ये क्यों कहा जाता है, ये माना जाता है कि अब्राहम के मन में डर आ गया उन चार राजाओं का जिसको उसने हराया था कि वो मुझे तंग करेंगे, और दूसरा उसके मन में ये भी आता कि मैंने इतनी धन दौलत वापस कर दी, अगर परमेश्वर ने मुझे और कुछ ना दिया तो फिर क्या होगा, उसके मन में ये चलने लग जाता है। इसी प्रकार हमारे मन में भी हमारे जीवन में ऐसे मौके आते हैं और फिर हमारे अंदर वो अंतर्कलह अंतर द्वंद युद्ध चलने लग जाता है, और फिर हम दूसरे अल्टरनेटिव ढूंढने लग जाते हैं कि जो हमने खोया और छोड़ दिया किस तरह इसको पूरा करें। व्हाट इफ जो है, अगर हुआ नहीं हुआ, वो हमारे अंदर फिर शक और भविष्य के बारे में शक पैदा करता है। याकूब को परमेश्वर के दूत मिलते हैं जब वो वापस आ रहा है, लेकिन उसके मन में वो चलता है व्हाट इफ अगर ईसाव रुका ही नहीं, उसने मेरे परिवार को मार दिया, अपने परिवार को दो हिस्सों में बांट देता है वो। और फिर वो इसी प्रकार हम भी चिंता करने लग जाते हैं, तरह तरह के फिर अल्टरनेटिव सोचने लग जाती है और हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है। विल्डरनेस, जिन की विल्डरनेस में पूरा इजरायली कम्युनिटी ने मूसा को पानी की कमी के बारे में कंप्लेन कर दिया, और फिर परमेश्वर उसे आज्ञा देते हैं गिनती 20 अध्याय उसकी 8 से 11 आयत में परमेश्वर उसे कहते हैं उस लाठी को ले जो उसकी रॉड है, और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उसके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी और इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला।
बातें कर, लेकिन इससे पहले वो बातें करना पूरी तरह सुनता ही नहीं है। मूसा सब कुछ इकट्ठा करता है और आगे लिखा है दसवीं आयत में, मूसा सबको कहता है, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? हमको इस चट्टान में से जल निकालना होगा। मूसा उसमें जल नहीं निकाल रहा है, परमेश्वर जल दे रहे हैं, लेकिन वो सब भूल जाता है। और फिर जिस प्रकार आम, वो फिर दो बार उस चट्टान को पत्थर उसे मारता है लाठी से। जो लीडरशिप में लोग हैं वो प्रेशर में रहते हैं, और इस प्रकार उस प्रेशर में वो मूसा भी परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता है, लोगों के साथ रिश्ता है, वो प्रेशर में आया हुआ है, और उसके अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा है वो परमेश्वर की बात को पूरी तरह सुन नहीं पाता है। और फिर वो जिस प्रकार उसे पहले कहा गया था निर्गमन 17:5-6 में चट्टान को मारना जाकर, उसी प्रकार वो मार देता है। जो अंतर्मन की, जो सोल की लड़ाई है, वो हमें परमेश्वर की जो धीमी मध्यम आवाज है उसे सुनने से रोक देती है, और फिर हमें अपने जो पहचान के रास्ते उन पर चलने की तरफ उत्साहित करती है। मूसा ऐसा था निर्गमन 33:11 के अनुसार, जिससे परमेश्वर आमने सामने बात करते थे जैसे एक मित्र के साथ बात करते हैं, और वो सबसे महान नबी प्रॉफिट माना गया है, लेकिन वो भी भटक गया। यहूदा इस्करियोती है जिसे प्रभु यीशु ने चुना 12 चेलों के साथ, और वो भी उनके साथ प्रभु यीशु के साथ वो 3 साल से ऊपर रहा। उसके मन में भी ये ड्रीम्स थे कि मैं भी जब प्रभु यीशु अपना राज्य स्थापित करेंगे तो मैं भी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन हासिल करूंगा उनके राज्य में, जबकि रोमियों को हरा देंगे। लेकिन जब उसे ये क्लियर हो गया कि मसीहा का जो मिशन है वो मिशन राज्य स्थापित करने का नहीं, वो तो सफरिंग मसीहा है, कष्ट उठाने वाला मसीहा है, तो फिर वो एक 30 सिक्कों के लिए, जो एक दास की वैल्यू है, उसके लिए अपने उस मास्टर को बिट्रे कर देता है। और जो हमारे अंदर का वह दूध है हमारे लिए एक रास्ता खोल देता है हमारे अंदर, कि हम शैतान के अधीन हो जाएं, और फिर हमें जो परमेश्वर का पर्पज है हमारे जीवन के लिए उससे वो दूर कर देता है। मत्ती 27:3-4 में यहूदा फिर बाद में पछताता है, जब वो देखता है कि प्रभु यीशु को दोषी ठहराया गया तो वह पछताया, और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। समझ गया वो, लेकिन तब तक देर हो गई, और फिर वो सुसाइड कर लेता है। जो अंदर हमारे ये सोल के अंदर जो लड़ाई चलती है वो लगातार चलती रहती, हर विश्वासी में भी चलती रही। हम छुड़ा लिए गए हैं विश्वास के द्वारा, लेकिन हमारी पूरी तरह अभी वो नेचर बदली नहीं है। जो शैतान की लड़ाई है वो हमारे विचारों को और इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए है, ताकि उसके झूठ में फंसकर, उसके डिसेप्शन में फंसकर हम अहंकार में आकर उसके पीछे हो लें। परमेश्वर के द्वारा ये प्रोनाउंसमेंट प्रभु यीशु के बारे में कि ये मेरा प्यारा पुत्र है जिसने मुझे आनंद दिया, जिसके अंदर मैं आनंदित हूं, वो शैतान ने भी सुनी थी जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा होता है। मत्ती 4:10 में देखते हैं टेम्पटेशन के समय वो प्रभु यीशु से 2 बार सवाल करता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, और उसके अंदर ये चल रहा है कि प्रभु यीशु के अंदर से एक उनके अंदर विचारधारा शुरू कर दे, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं यहां भूखा बैठा हूं 40 दिन हो गए, मेरे अंदर पावर है, मैं रोटी बना के खा सकता हूं, क्यों नहीं मैं खाऊं, या मेरे अंदर पावर है, शक्ति है, मुझे स्वर्गदूत बचा लेंगे, मैं मंदिर के ऊपर से छलांग मारूं, मुझे वो बचा लेंगे, सब मुझ पर यकीन करेंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु इसके लिए नहीं फंसते हैं, और इस कारण शैतान को उनसे दूर हटना पड़ता है। हमारे अंदर की जो टर्मोइल, जो लड़ाई है, वो हमारे अंदर जो अविश्वास है उसके कारण होती है। विश्वास है लेकिन अविश्वास भी है। मार्कुस 9:23-25 में जो गूंगा और बहरा लड़का है, उसका पिता प्रभु यीशु को सामने गिड़गिड़ाकर कहता है, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर।
विश्वास है लेकिन अविश्वास भी है। प्रभु यीशु ने उसकी इस पुकार को सुनकर उसके लड़के को चंगाई दे दी। जो हमारे अंदर का ये युद्ध चलता है, हम परमेश्वर की तरफ क्राई आउट टू हिम, उनके हम प्रार्थना करते हैं उनकी सहायता के लिए, और वो हमें हर वक्त सहायता देने के लिए तैयार हैं। जब हम उनकी सहायता मांगते हैं तो वो हाथ बढ़ाते हैं, हमें अपनी शांति से भर देते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। वो शांति से हमें भर देते हैं और उनके नजदीकी के रिश्ते में फिर अंदर की लड़ाई अपने आप ही शांत हो जाती है। हम अपनी सोल या प्राण की इस लड़ाई को कैसे रोक या जीत सकते हैं? शैतान जो हमारा शत्रु है, वो हमारे विचारों पर अधिक प्रभाव डालकर इस प्रकार हमारे कामों पर प्रभाव डालना चाहता है, और वो चाहता है कि हम परमेश्वर उसके वचन से अपना फोकस हटा लें और शैतान के झूठ के पीछे होकर अपने कामों के ऊपर ध्यान देने लग जाए। सबसे जो आम जो झूठ फैलाया जाता है वचन के बारे में, वो ये है कि गॉड हेल्प दोज दैट हेल्प देमसेल्व्स, जबकि ये सच्चाई नहीं है। परमेश्वर सहायता उसकी करते हैं जो उन पर निर्भर होता है। और पहला और सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट जो इस लड़ाई का गोल है शैतान का, वो ये है कि मैं परमेश्वर की सच्चाई से दूर ले जाना और इस प्रकार हमारे जीवन को नष्ट करना। वो ये चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन से उल्टा सोचने लग जाए। दूसरा, वो ये चाहता है कि हम ये जाने कि जो लड़ाई है हमारे पे पर्सनल अटैक के द्वारा होती है, हमारे ऊपर अटैक होता है। डानियल 10:12-13 में डानियल नबी 3 सप्ताह के लिए फास्ट करता है और फिर उसके पास एक स्वर्गदूत आता है जो उसका उत्तर लेकर आया है। स्वर्गदूत उसे कह देता है, हे दानियल, पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुनेंगे और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। तेरे वचन पहले ही दिन सुने गए थे। Mark 11:24 में प्रभु यीशु ने हमें कह दिया 11:24 में कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। बिलीव एंड यू विल रिसीव। लेकिन हमारा विश्वास बदलता रहता है, शिफ्ट होता रहता है, और जब हम प्रेयर करते हैं या फास्टिंग के बाद प्रेयर करते हैं तो हमारे अंदर एक टर्मोइल, एक लड़ाई शुरू हो जाती है कि उत्तर मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। लेकिन जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि परमेश्वर के बच्चे हैं और स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं, तो फिर हम ये भी समझना हमें चाहिए कि स्वर्ग राज्य हमें अपने बच्चों के लिए परमेश्वर सब कुछ प्रोविजन करेंगे, सुरक्षा हमें देंगे वो। जब हम ये मान लेते हैं तो फिर वो 5 रोटियां ही काफी हो जाती हैं 5,000 परिवारों को खाना खिलाने के लिए, जैसे प्रभु यीशु ने कर दिया। इस लड़ाई में जीतने के लिए पौलुस रसूल ने हमें एक मंत्र दे दिया, फिलिपियों की पुस्तक 4:8 में वो कहते हैं, हे भाइयों, उन बातों पर ध्यान लगाओ। कौन सी बातें हैं? वो लिस्ट कर देते हैं जो सच्ची हैं और जो रिलायबल हैं। परमेश्वर का वचन सच्चा है, हम उस पर लग जाएं। जो आदरणीय है, नोबल है, डिग्निफाइड जो है, इनका आदर वाली बातें हैं, जो 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 बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं। उचित हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, उसके स्टैंडर्ड के अनुसार है, जो प्योर हैं और मॉरली राइट हैं, पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, पवित्र, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसकी इच्छा के अनुसार हैं, जो प्लीजिंग हैं, एग्रीएबल हैं, जो हमारे अंदर किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं शुरू करती हैं। और फिर जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, जो अच्छी और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाओ, उन पर फोकस बनाए रखो। यहोशू 1:8 में परमेश्वर यहोशू को कहते हैं, जो ये वचन है बुक ऑफ द लॉ, इसके ऊपर दिन रात मनन करते रहना ताकि तुम हर तरह से सक्सेसफुल रहो। जब हमारे विश्वास इस स्टैंडर्ड टेस्ट को पास कर लेते हैं तो हमारे अंदर से फिर वो जो युद्ध है अपने आप ही कम होने लग जाता है, और जब बुरे विचार हैं हम अपने आप उन्हें
डिस्कार्ड छोड़ने लग जाते हैं, परमेश्वर के बल में हम ये सब करने लग जाते हैं। परमेश्वर रोशनी है और हम ये चाहते हैं कि हम उनकी रोशनी में चलें और उनके साथ चलते हुए अंधेरे से बचे रहें। जो ये रोशनी में चलने का काम है ये अचानक नहीं होता है, ग्रेजुअल है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हम दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं, परमेश्वर के आत्मा हमें बदलते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहते हैं, क्या हम उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं? जब हम उनकी सहायता मांगते हैं तब फिर वो हाथ बढ़ा लेते हैं। पत्रस रसूल पानी पर चलते हुए आए, लेकिन जो ही उन्होंने चारों तरफ देखा डूब गए। सबसे छोटी प्रार्थना है, प्रभु मुझे बचा। अब प्रभु ने उसी समय हाथ बढ़ाया, उसे निकाल लिया। जब हम इस प्रकार द्वंद्व युद्ध में फंसते हैं तो हम भी इसी प्रकार पुकारे, प्रभु मुझे बचाओ, और वो हमें बचाने के लिए सक्षम है और तैयार भी है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है आपका हर आशीष के लिए। धन्यवाद है कि आपने हमारे भीतर पवित्र आत्मा परमेश्वर डाले हैं, ताकि हम उनकी आज्ञाकारिता में उनके द्वारा दिए गए रास्तों पर चलने वाले बने। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें रास्ता ही नहीं दिखाते, आत्म संयम से भी भरते हैं, अपने बल से भरते हैं, आपके प्यार से भरते हैं, ताकि पिता परमेश्वर फिर हम दिन प्रतिदिन बदलते जाएं उस अक्ष रूप में, और प्रभु यीशु वाला अक्ष रूप जिसमें आपने हमें बनाया था और जिसमें आप हमें देखना चाहते हैं। और फिर प्रभु यीशु, हम आपका हाथ पकड़े हुए, आपके पवित्र महिमा की रोशनी से ढके हुए, उन पवित्रता, सच्चाई और आनंद के रास्तों पर चलते जाएं, आपकी शांति से भरे हुए, आपके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित रहे, किसी दूसरी तरफ हम ना देखें, और फिर हमारे जीवन के द्वारा हर कदम पर आप ही को महिमा मिले। पिता परमेश्वर, धन्यवाद सहित सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु ने हमें ये वार्निंग तो दी कि हम इस संसार में अंधेरे की ताकतों से घिरे हुए संताप सहेंगे, लेकिन ये अश्योरेंस भी दे दी कि मैंने इस संसार को जीत लिया है। जब हम उनके पूरे किए गए काम में विश्वास भरा जीवन जीने लगते हैं तो उनका हाथ हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है। या तो हम उनकी सुरक्षा में चलकर जीत पाएं, या फिर शैतान के दिए गए झूठ के अधीन चलकर उसके चंगुल में फंसे रहें। चुनाव तो हमें ही करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।